जय हिंद दोस्तों। बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिहार में सरकारी आईटी में एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए, कि कब काउंसलिंग हुआ, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब चॉइस फिलिंग हुआ। तो फाइनली बोर्ड ने इसका डेट अनाउंस कर दिया है और पीडीएफ जारी किया है और साथ ही प्रोसेस बता दिया कि क्या क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में देखने वाला है कि क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में दोनों देखेंगे और साथ ही पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे तरह से होगा। हम इसकी इस वीडियो में पूरी तरह से एकदम क्लियर कर देंगे। आगे हजारों वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सारे अपडेट्स आपको लिए लाते रहे। देखिए हम सारे अपडेट्स लाते रहते हैं, वैसे भी आईटी संबंधित सारे अपडेट आप चैनल पे विजिट कीजिए करिएगा, देखिएगा जॉब संबंधित, अप्रेंटिस संबंधित, आईटीआई के एग्जाम संबंधित सारे। तो आपको देखिएगा तो यार सबसे पहले गूगल पे सर्च करिए अनिल सर iti.in, यहाँ आईटीआई कैट द्वारा कैसे, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए बिहार आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग, इस पर जैसे क्लिक किया यहाँ पे ओपन का बटन आया, तो ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आएगा तो देखिए काउंसलिंग का जो डेट है 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, सॉरी चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे नोटिफिकेशन बताते हैं और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से नोटिफिकेशन, यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से काउंसलिंग का प्रोसेस मिल जाएगा। यहाँ से रैंक का डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप है, ये दोनों ज्वाइन करें ताकि जो भी अपडेट आए आपको पता चलते रहे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मिल जाएगा, हम ऑफिशियली भी डाउनलोड करा देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये ऑफिशियली है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिया गया है। इस पे नीचे की तरफ आया तो 7 तारीख को सीट मैट्रिक्स डाउनलोड हो जाएगा आज शाम में, आज शाम तक, और 9 तारीख को जो है चॉइस फिलिंग होगा, मतलब 9 तारीख से चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 9 तारीख को आपको वीडियो दे देंगे किस तरह से चॉइस फिलिंग होगा और किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पे लास्ट डेट जो रखा है 8 नवंबर को रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा 24 तारीख को। इसके बारे में फुल डिटेल बताते हैं आपको, एक सेकेंड, अब हम बताते हैं अब शुरू से। देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग 9 तारीख को होगा, तो उस पर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, आपको मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हैं, या आपको मोबाइल नहीं है तो आप साइबर से भी जाकर आ सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, आसानी से आप भी कर सकते हैं, इसका वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसका लिंक आ जाएगा, लिंक जैसे ही आता है हम अपने अनिल सर आईटी वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। वेबसाइट पर आएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, अभी 9 तारीख को एक्टिवेट हो, यहाँ पे आइएगा तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन का लिंक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन जब कर लीजिएगा तो आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा और वहां से लॉग इन कर पाएंगे। यहीं से आपका सारा सीट अलॉटमेंट होगा, यहीं से रिजल्ट होगा, यहीं से आपका चॉइस फिलिंग का, और यहीं से आपका मतलब जितना भी कार्य होगा सारा भी इसी रजिस्ट्रेशन से होगा, तो इसको आपको संभाल कर रखना होगा। और सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे 9 तारीख से 18 तारीख के बीच में यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेनी है, चाहे वो आपको फर्स्ट राउंड में लेना हो चाहे मत लेना हो। लेकिन आपको अगर आप ये गलती करते हैं कि आप यहाँ पर नहीं कराते रजिस्ट्रेशन तो आपका फिर नाम हटा दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा फिर। इसलिए 9 दिन का समय रहेगा आपके पास, 9 से 10 दिन का, कि इसी दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। 9 तारीख को शुरू कर दीजिएगा, 9-10 तारीख तक आपका एक दिन में हो जाएगा, और सर्वर डाउन होने वजह से शायद 10 को ना हो, 11 को, लेकिन कर लेना है। इसमें देखिए दिया गया चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस को एडिट कर सकते हैं। और मान लीजिए 9 तारीख को आप चॉइस डाल दिए और 10 से 11 12 लगता है कि 17 तक आपको लगा कि नहीं मुझे चॉइस चेंज करना, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है, तो आप एडिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस के से संतुष्ट है तो चॉइस को लॉक कर दे, और अंतिम दिनों में आप लॉक कर सकते, एक लॉक का बटन आता है, लॉक कर दे तो फिर वो लॉक हो जाए, फिर वो उसी चॉइस पे आपको ट्रेड मिलने वाला है। ट्रेड कई सारे ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मशीनिस्ट, जो जो ट्रेड चाहते हैं सेलेक्ट कर दीजिएगा और उसको लॉक कर दीजिएगा। आप जरूरी नहीं कि आपको एक ही ट्रेड मिलेगा, आपको जितना चाहे उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आसानी रहेगा कि आगे उन्हीं ट्रेड में से मिलेगा, ठीक है। उसको सेलेक्ट लॉक कर देना है, देखिए फिर उसका चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी भी बदलाव का प्रावधान नहीं है। अगर आप ट्रेड सेलेक्ट करके लॉक कर देते हैं तो उससे कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ध्यान से देखिए कि आपने कौन सा ट्रेड सेलेक्ट किया है और किसको लॉक किया है। अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए, अपने द्वारा भरे गए चॉइस को प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको ये लेकर जाना होगा चॉइस फिलिंग वाला डॉक्यूमेंट, तो इसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है।
देखिए रजिस्ट्रेशन आपको हो गया, चॉइस लॉक भी हो गया, अनलॉक का नई प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। और आप चाहते हैं कि जो चॉइस फिल किए हैं उसको अनलॉक करना, तो उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए ओटीपी आएगा, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से रखना है। और जो जो भी मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी देंगे वो हमेशा ऑन रखिएगा, ठीक है। साथ ही अभी सूचित किया था, पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी शर्त से बदला नहीं जा सकता है। और ये एक बार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गया तो बदलेगा नहीं, इसका आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर, साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपके पास मोबाइल नहीं है तो अपने गार्जियन का दीजिए, या आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो नया बनवा लीजिए, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी बनवा लेना नहीं है तो, मोबाइल नंबर नहीं है तो गार्जियन का देना होगा, अपने किसी साइबर वाले का मत दीजिएगा, भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम ही होगी, एक एक समय ही होने वाली है, ठीक है। और इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। देखिए अगर आप 9 से लेकर 18 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए कि ये सबके पात्रता है, आप कभी इसे नहीं बैठ पाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपका अब एग्जाम ही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको 9 से 18 के बीच में, भले आप लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, 9 से 18 के बीच में रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, ठीक है। इसको नहीं करिए तो फिर दिक्कत होगा, फीस नहीं लगता है, कोई इसकी दिक्कत है, फीस नहीं लगता है, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट पूरा अभ्यर्थियों पंजीकृत ईमेल आईडी और उनके माध्यम से भेजी जाएगी, आपको मेल आ जाएगा। मेल आपको रेगुलर चेकआउट करते रहना है, मोबाइल में रेगुलर मेल चेक करते रहिए। और देखिए यहाँ पे वैसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। आपने जो भी चॉइस फिलिंग में ट्रेड और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है उसी के आधार पर आपको सीट अलॉट होगा, सीट मिल जाएगा कि कौन सा ट्रेड आपको दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थी अपना सीट अलॉट रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि में से अपने अकाउंट को लॉग इन कर आपको सीट आवंटित रिजल्ट देख सकते हैं। आपको कौन सा ट्रेड मिला है इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी 24 तारीख को, उसी लॉग इन आईडी से जो यहाँ पे लिंक आएगा, अनिल सर आईटी वेबसाइट पे यहाँ पे डाल देंगे, यहीं पर लिंक पर क्लिक करिएगा तो वहां पर लॉग इन करिएगा तो आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस समय आप रिजल्ट देख पाएंगे कि आपका कौन सा ट्रेड मिला है। अगर आपको ट्रेड अच्छा नहीं मिला है उसके बारे में भी अभी हम बता देते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज या ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन है तो अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन है तो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ये अपग्रेडेशन कैसे होगा इसका बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको कोई अच्छा सा आपके मनपसंद का ट्रेड नहीं मिला, ऑफकोर्स कभी कभी नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है कि चुपचाप नहीं रह जाना है, आपको सारा डाउनलोड कर लेना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और जो जो डॉक्यूमेंट हम बोल बता देंगे यहाँ पे दिए भी हुए हैं, यहाँ पे जाइएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। लेकिन आपको वहां पर ये कह देना है कि हमको एडमिशन स्टेट में नहीं लेना है, हमको अपग्रेड कर दीजिए, तो वहां पर अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे कि हमको ये ट्रेड मिला, हम नहीं जाएंगे, तो फिर आपका आगे कभी बुलाया नहीं जाएगा नेक्स्ट काउंसलिंग। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए वहां पे जाते हैं अपने नोडल आईटीआई के पास, कहां जाना वो बता देंगे अभी लास्ट तक आपको, अपग्रेड जाइएगा नोडल आईटीआई के पास, वहां पर आपको सारा डॉक्यूमेंट चेक करा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एडमिशन के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करना, आपको अपग्रेडेशन के लिए रिक्वेस्ट करना है कि हमारा जो ट्रेड है ये हमको नहीं चाहिए, हमको अपग्रेडेशन में डाल दिए ताकि सेकेंड राउंड में हमको कोई अच्छा सा ट्रेड मिल जाए। तो फर्स्ट राउंड आपका खत्म हो गया, उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, जब सेकेंड राउंड आएगा तो उसमें फिर आपको सोचा जाएगा कि आपको कोई अच्छा सा बेहतर सा ट्रेड दिया जाए, अगर उसमें सीट खाली होता है तो, ठीक है। सीट के बारे में जानकारी आपको अनिल सर वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको इसको हम अपडेट कर, जैसे ही आता है ना सीट वाला, ये सीट मैट्रिक्स आएगा तो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन है तो रिपोर्टिंग और नोडल सेंटर का नाम तथा तिथि अंकित रहेगा। कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग और नोडल सेंटर का नाम और तिथि, आपको सोचना है कि कहाँ जाना होगा, कहाँ कब जाना है, सारी जानकारी आप जब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 24 तारीख को फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, उससे आपको दिया रहेगा कहाँ जाना और कब जाना है। एक तरह का एडमिट कार्ड रहेगा जिसपे आपको डेट टाइम लिखा रहता है ना, सेम उसी तरह यहाँ पर लिखा रहेगा,
ठीक है। और अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि और तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य माना जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर आप नहीं जाते हैं, चुपचाप रह जाते हैं, तो आपको आगे नहीं दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी हाल में आपको दिए गए समय और तिथि पे भले आपको लेना हो या ना लेना हो, लेकिन वहां पे पहुंचना जरूर होगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले या ना ले उसमें आप चाहते अगले राउंड में ले तो उस, लेकिन उस तिथि को आपको जाना होगा, जरूर जाइएगा। ठीक है, और रिक्त मान लिया जाएगा, नहीं तो आप फिर आपको दिया ही नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको जाना है। हम बार बार इसी को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो अगले राउंड का इंतजार करें। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, क्या होता है, आपको 100 लड़के मान लेते हैं, 100 लड़के हैं, तो 100 लड़कों के एक साथ नहीं होता, फर्स्ट राउंड में नहीं आया। 100 में मान लीजिए 50 का है तो 50 परेशान हो जाएंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो 50 का नहीं आया रिजल्ट तो 50 का अगले राउंड में आएगा, बाकी का अगले राउंड में, जिसका नहीं आता है। यहाँ पे यही लिखा गया कि अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया, आपको सीट नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड का इंतजार करिए, सेकेंड में आ सकता है। सेकेंड का जो डेट रखा गया है 6-12 को आएगा, 24 से 30 के बीच देखते रहिए कि कहीं आपका तो नहीं आया, और 24 तारीख तक नहीं आया तो आपका एक बार 6 दिसंबर को आएगा। अगर 6 दिसंबर को भी नहीं आया तो थर्ड राउंड भी जारी किया जाएगा, फोर्थ राउंड भी जारी किया जाएगा, लास्ट में मॉपअप भी जारी किया जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोविजनल सीट अलॉट होता है, फिर लास्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे जो बताए गए हैं यही सब लेकर जाना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट लेकर जाना है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। एडमिट कार्ड मैट्रिक का 8 क्लास में अप्लाई किया तो 8 क्लास का 8 क्लास का एडमिट कार्ड, 8 क्लास का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। यहाँ पर 8 क्लास की टीसी की बात नहीं कही गई है 10th क्लास की, लेकिन आपको ले जाना पड़ सकता है क्योंकि पिछली बार लगा हुआ था। मूल जाति प्रमाण पत्र, आप जो भी जाति के हैं, SC ST OBC है तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। आवास प्रमाण पत्र सभी को ले जाने हैं, जो भी एडमिशन के लिए जाएंगे उनको आवास ये प्रमाण पत्र लेकर जाने होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने होंगे। और यहाँ पर और EWS, जो EWS से अप्लाई किए हैं तो उनको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और भी इसके लिए जो जरूरी कागजात है जिसके आधार पर एडमिशन करा रहे हैं वो भी लेकर जाने होंगे, और आधार कार्ड लेकर जाना है, 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, जो एडमिट कार्ड पर लगा हुआ है वही। एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी फोटो नहीं लेकर जाना है, एडमिट कार्ड पर जो लगा हुआ है फोटो वही लेकर जाना है। रैंक कार्ड देख सकते हैं, रैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंक कार्ड का लिंक हम यहाँ से दे दिए हैं, यहाँ से रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप, जो आप चॉइस फिल करेंगे ना, ऊपर जो हम फिल किए थे चॉइस फिलिंग, उसमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम और जो है ट्रेड सेलेक्ट किए थे वही, उसका स्लिप भी लेकर जाना होगा। और जो फॉर्म भरे थे एडमिशन के वहां पे एग्जाम फॉर्म, उसको भी लेकर जाना है यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी लेकर जाना है, जो आपने डाउनलोड किया है, जो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वही, उसको लेकर जाना है। आपका लेटर अलग से आएगा, ऑनलाइन ही आ जाएगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होगी। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप ले लेनी है 2 कॉपी, और ये सारा लेकर आपको जाना है। अगर आप को ट्रेड में एडमिशन नहीं लेना है तो भी जाना होगा, नहीं लेना है तब पर भी जाना होगा, ताकि आपका अपग्रेडेशन हो सके। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और था बहुत सारे बच्चों का कि हम रहते गया में हैं, हम लेना चाहते हैं पटना एडमिशन, तो क्या हम पटना ले सकते हैं? तो आपको बता दें नहीं ले सकते हैं। आप गया के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो गया में ही एडमिशन ले सकते हैं, पटना के लिए फॉर्म भरे हैं तो पटना ही ले सकते हैं, हर जगह आप नहीं ले सकते हैं, आपको गया ही आपको मिलेगा एडमिशन, नहीं तो नहीं हो पाएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिलने वाला है। और क्या सवाल है आपके मन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए यहाँ से आके, ताकि हर छोटी से छोटी अपडेट आपको समय से मिलते रहे। और आपको देखिए चैनल पर बहुत सारे अपडेट्स अवेलेबल है, तो जाइए देखिए जिसके लिए एलिजिबल होते हैं उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक पास आउट है तो रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, इसमें आप जा सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।